मैं आपके पास एक फॉल्ट लेके आया हूँ जिसमें कि ये लेनोवो का 5080 बोर्ड है। तो यहाँ पे जो सेकंड मॉस्फेट है आपका, सेकंड मॉस्फेट हमको जैसे ही हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कोई भी लैपटॉप आपके सामने आता है तो सबसे पहले तो आप फिजिकल चेकिंग करिए। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपके पास एक फॉल्ट लेके आया हूँ जिसमें कि ये लेनोवो का 5080 बोर्ड है लैपटॉप। तो इसमें प्रॉब्लम है, अभी डेड कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो अभी हम आपको इसको लाइव चेक करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी हमने बोर्ड को, लैपटॉप को डीसी पावर सप्लाई के थ्रू सप्लाई दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 लोड ले रहा है, ये 15 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे स्विच ऑन करने पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है कि डेड कंडीशन की प्रॉब्लम है। अब हमें इसको देखना होगा कि अंदर से बोर्ड में स्विच से प्रॉब्लम है या आगे स्विच ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो वो हमें प्रॉब्लम इसको चेक करके देखना है। तो इसका लैपटॉप लेनोवो 5080, ये जो आपका लेनोवो 5080 मॉडल है इसका लैपटॉप का। तभी हम एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो ये बोर्ड है देखिए हमारे सामने, और इस बोर्ड को सबसे पहले तो हमको फिज़िकली चेक कर लेना चाहिए। किसी भी बोर्ड को पहले फिज़िकली आप चेक करो अच्छे से। यहाँ पे हम अभी एक बार फिर से सप्लाई देके चेक कर लेते हैं। तो ये पावर कनेक्टर आपका डीसी जैक आ गया, और डीसी जैक लगाने के बाद यहाँ से हमने देखिए ऑन किया है तो अभी प्रॉपर 15 लोड ले रहा है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इसका सप्लाई चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉइल लगी हुई है, और कॉइल ये फर्स्ट मॉस्फेट के पास यानी कॉइल के थ्रू सप्लाई जा रही है। तो ये कॉइल पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज शो कर रहा है 18.4। अब ये 18.4 वोल्टेज आ रहा है इसका जो मॉस्फेट लगा हुआ है। तो मॉस्फेट का इनपुट वाले पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं तो 18.4 ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट वाले पॉइंट पे भी हम चेक करते हैं तो ये आउटपुट वाले पॉइंट पे देखिए 17.8 आ रहा है, 17.8। यहाँ पे 18.4 है, 17.8। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर सोर्स पे आउटपुट हमको जो मिल रहा है तीनों पॉइंट पे सेम है, और इसके गेट की जो वोल्टेज है 17.8, तो तीनों पे इक्वल वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे भी इनपुट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड जो मॉस्फेट लगा हुआ है तो उस सेकेंड मॉस्फेट पे आपको आउटपुट कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मॉस्फेट वाला पॉइंट है यहाँ पे इसके इनपुट में वोल्टेज है ऑलरेडी, और यहाँ पे आउटपुट हमको मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे इसके गेट की अगर हम वोल्टेज चेक करें तो गेट की वोल्टेज मिल रही है हमको। यहाँ पे तीनों के ड्रेन आ गए हैं ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे इसका गेट वाला पॉइंट है तो इसके गेट की वोल्टेज भी नहीं है। तो एक बार हम पहले मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं। ये कंटिन्यूटी पॉइंट पे हमने मल्टीमीटर को सेट किया हुआ है। तो फर्स्ट मॉस्फेट तो आउटपुट दे रहा है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ओके है। तो सेकेंड मॉस्फेट भी शॉर्ट नहीं है, सेकेंड मॉस्फेट भी आपका शॉर्ट शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट ये आपका डीसी जैक लगा हुआ है, डीसी जैक को हमने डायरेक्ट सप्लाई दे रखी है डीसी पावर सप्लाई से, और यहाँ पर दो ये कॉइल लगी हुई हैं कॉइल के थ्रू मॉस्फेट, पहला जो मॉस्फेट है आपका पावर सेक्शन का जो वो ऑपरेट हो रहा है।
तो यहाँ पर जो ऑपरेट हो रहा है इसको 19 वोल्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ये वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट भी मिल रहा है इसका। और सेकेंड जो मॉस्फेट लगा हुआ आपका, तो इसके सोर्स से इसका ड्रेन कनेक्ट हुआ है सीधा, तो यहाँ से भी इसको वोल्टेज मिल रहा है। देखिए हम कनेक्शन आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इसका सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्ट है, तो कनेक्टिविटी है, तो यहाँ से वोल्टेज भी आउटपुट मिल रहा है। तो सेकेंड मॉस्फेट के सेकेंड के साइड यानी कि ड्रेन के साइड आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है, जबकि इसके गेट को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट मॉस्फेट के गेट को वोल्टेज मिल रहा है, तो आउटपुट हमको मिलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है जो कि ग्राउंड से बीप नहीं देना चाहिए, तो ये बीप दे रहा है, तो आगे कहीं पे ट्रैक में शॉर्टिंग हो सकती है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आगे वाले या तो मॉस्फेट को हम एक बार ट्वीज़र से शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट करेंगे तो वहाँ कुछ टाइम के लिए हम देख सकते हैं। तो कुछ टाइम को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्वीज़र के थ्रू सेकेंड मॉस्फेट पर शॉर्टिंग कर लेंगे और यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई को हम ऑन कर लेंगे। तो अभी देखिए हम यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है डीसी पावर सप्लाई को, और जो आपका ये फर्स्ट मॉस्फेट आपका जो लगा हुआ है, फर्स्ट मॉस्फेट के हमको जाना है ड्रेन टू सोर्स। तो ठीक है, हम यहाँ से इसको शॉर्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट करने पे ये देखिए वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो रही है, और ये पीछे इसके लोड पड़ने से क्या हो रहा है कि पीछे वाले कंपोनेंट भी प्रॉपर तरीके से हीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये इससे पता लग रहा है, इसको आप चेक करने के लिए देख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग शो कर रहा है, 19 वोल्ट सीधा ड्रॉप हो रहा है, और इसके लोड पड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि फर्स्ट सेकेंड वो जो फर्स्ट मॉस्फेट है आपका वो भी हीट हो रहा है। तो हमको क्या करना होगा कि आगे की सप्लाई यानी कि इस सप्लाई को हमें ब्रेक करके इसके आगे वाले पॉइंट पे सप्लाई देना होगा। तो एक बार हम चेक करते हैं आगे की सप्लाई। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 19 वोल्ट आउटपुट सेकेंड मॉस्फेट से नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट मॉस्फेट और ये जो आपकी देख रहे हो चार्जिंग यहाँ पे आईसी लगी हुई है एक, तो ये आईसी का क्या काम है, ये आईसी के चार्जिंग मॉस्फेट लगे हुए हैं। तो अगर आईसी शॉर्ट होती तो यहीं से अभी डायरेक्ट लगाने के बाद ही, जैसे ये 15 जो आपका मिली एम्पियर शो कर रहा है, तो ये भी शो नहीं करता, तो शॉर्टिंग यहीं पे आपकी होती। कभी कभी होता है कि फर्स्ट मॉस्फेट से पहले वोल्टेज दे दिया जाता है चार्जिंग आईसी को, कभी होता है फर्स्ट मॉस्फेट के बाद वोल्टेज चार्जिंग आईसी को दिया जाता है। तो अभी तो फिलहाल ये जो फर्स्ट मॉस्फेट है आउटपुट मिल रहा है हमको, सेकेंड मॉस्फेट के इनपुट पर भी जा रहा है, तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका 3.3 वोल्ट जो एलडीओ बनना चाहिए वो आउटपुट नहीं बन रहा है, क्योंकि आउटपुट तो डीसी जो वोल्टेज 19 वोल्ट है वो आउटपुट मिल रहा है, तो मिलने के बाद ही बनना चाहिए। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज क्या बता रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकेंड मॉस्फेट कभी कभी होता है कि आपका ऑन यानी 19 वोल्ट हम सप्लाई देने के बाद ही 3 और 5 वोल्ट सेक्शन ऑन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेकेंड मॉस्फेट है आपका, सेकेंड मॉस्फेट हमको जैसे ही हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो 19 वोल्ट ड्रॉप होने का मतलब है कि अभी हमें इसको शॉर्टिंग चेक करना होगी, तो एक बार हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं पहले। अब ये 1 बाई 1 हमें पहले तो कूल चेकिंग में ही देखना होगा। ये देखिए इम्पीडेंस बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर, और ये सीपीयू लगा हुआ है, तो सीपीयू लगा हुआ है ये कंटिन्यू बीप देगा वैल्यू के साथ।
तो यहाँ का भी इम्पीडेंस एक तरीके से सही है, यहाँ पे भी देखिए कोई इम्पीडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डीसी जैक को हम अभी फ़िलहाल निकाल लेते हैं और एक वायर सिंगल हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे करंट सेंसिंग रजिस्टर पे, जिससे यहीं पे डायरेक्ट सप्लाई देंगे, जिससे पीछे वाले सर्किट पे कोई लोड ना पड़े। अगर शॉर्टिंग आगे है तो आगे का हमें पता लगेगा कि शॉर्टिंग किस जगह पे है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ ये थिनर देखिए सूख रहा है, तो आप देख सकते हैं इस आईसी के पास, ये देखिए सबसे पहले सूख गया, बाकी यहाँ पर। तो ये जो आपका आईसी लगी हुई है यहाँ पर अभी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है और वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम हाथ से भी चेक कर सकते हैं इसको, ये देखिए बहुत तेज से हीट हो रही है, बाकी सब जगह नॉर्मल है। और यहाँ पे इस तरीके से आप थिनर के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से थिनर सूख रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5 वोल्ट की जो कॉइल लगी हुई है, 5 वोल्ट की ये आईसी। अब यहाँ पर देखेंगे तो अभी थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस, जैसे कुछ बोर्डों में चेंजेस है, तो यहाँ पर जैसे 3-5 में आप देख रहे थे कुछ बोर्डों में मॉस्फेट लगे होते हैं, 2 मॉस्फेट इसके साथ, 2 मॉस्फेट यहाँ पर, तो 4 मॉस्फेट लगे हुए मिलेंगे, 2 कॉइल मिलेंगी। तो यहाँ पर हो गया 4 मॉस्फेट की जगह पर क्या हो गया कि एक सीधा आईसी लगा दी, मॉस्फेट को इनबिल्ड कर लिया गया है। तो मॉस्फेट को इनबिल्ड कर लिया गया है आईसी के अंदर, दोनों मॉस्फेट इसी तरीके से आईसियाँ लगी हुई दोनों। तो इन आईसियों को हमने चेक किया है, तो ये जैसे कि आप देखते हैं कि 3-5 सेक्शन अगर ओके होगा तो एलडीओ वोल्टेज बनना चाहिए। तो एलडीओ वोल्टेज कहाँ से बनता है? 3-5 सेक्शन के साथ। तो यहाँ पर 3-5 सेक्शन से जो एलडीओ वोल्टेज निकलता है, तो वो अभी तो फ़िलहाल आपके जो आईसी है 5 वोल्ट की, वो आईसी शॉर्ट है, और उस 5 वोल्ट की आईसी शॉर्ट होने के साथ साथ आपका कोई भी 3 वोल्ट ना 5 वोल्ट कोई भी वोल्टेज नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी हमने जैसे पहले लोड दिया था, तो लोड देने के बाद ही मॉस्फेट या आपका जो यहाँ पे करंट सेंसिंग जो रजिस्टर है, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है ग्राउंड से। तो ये ग्राउंड से शॉर्ट दिखाने का मतलब है कि जो 19 वोल्ट आगे आउटपुट जा रहा है सेकेंड मॉस्फेट से, तो वो मॉस्फेट क्या कर रहा है, वोल्टेज तो आउटपुट दे रहा है बट वो वोल्टेज आगे ड्रॉप हो रहा है। तो आगे का जो सेक्शन है, तो यहाँ पर रैम का सेक्शन भी लगा हुआ है, रैम के सेक्शन के साथ साथ आपका इधर से कोर सेक्शन भी है, कोर सेक्शन के साथ इधर से 3-5 सेक्शन भी है। तो अभी जैसे आपने देखा कि थिनर हमने हल्का सा टच किया तो वहाँ पे फटाफट सूख रहा था, तो सूखने का मतलब क्या हुआ कि वो आईसी तेज़ी से हीट हो रही है, हीट होने की वजह से थिनर सूख जा रहा है। तो थिनर सूखने का मतलब है, और यहाँ पर जो प्रॉपर आईसी बहुत तेज़ हीट हो रही है, तो अब हमें इस आईसी को रिप्लेस करना होगा। तो आप किसी भी मदरबोर्ड में, लैपटॉप में शॉर्टिंग निकालने का तरीका है, तो ये शॉर्टिंग इस तरीके से आप निकाल सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से हमने शॉर्टिंग जो ने निकाली है और किस तरीके से हमने फॉल्ट को फाइंड किया है। तो आप क्या करना है कि पावर सेक्शन में डायरेक्ट जो हम सप्लाई देते हैं, तो वहाँ से आउटपुट अगर नहीं मिलता है तो हम ट्वीज़र के थ्रू भी शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि आगे शॉर्टिंग है या पीछे शॉर्टिंग है। तो यहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट मॉस्फेट और सेकेंड मॉस्फेट पर तो इनपुट मिल रहा है बट आउटपुट नहीं मिल पा रहा है सेकेंड मॉस्फेट से, तो जिसकी वजह से हमने ट्वीज़र से शॉर्ट किया। शॉर्ट करने पे पता चला कि 19 वोल्ट आपका ड्रॉप हो रहा था, तो 19 वोल्ट ड्रॉप होने का मतलब है कि 19 वोल्ट का ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका 3 वोल्ट का कॉइल है, ये 5 वोल्ट का कॉइल दिया हुआ है यहाँ पर, और इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे और ये पॉइंट दिया हुआ है सीधा, ये जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट से रिलेटेड है, और इस आईसी के 19 वोल्ट का ट्रैक से कनेक्टिविटी होगी, तो इस आईसी को सप्लाई भी मिलेगी यहाँ पर, दोनों आईसी को 19 वोल्ट के ट्रैक से सप्लाई मिलेगी, तब ये आईसी आउटपुट जनरेट करेगी जो कि कॉइल के थ्रू आउटपुट मिलेगा हमको 3-5, और ये तो 3-5 ऑलवेज वोल्टेज बनेगा। लेकिन सबसे पहले जब हम जैसे ही पावर सप्लाई देते हैं 19 वोल्ट का ट्रैक से, तो 19 वोल्ट के ट्रैक से जब आप सप्लाई देंगे, तो अगर यहाँ पर कहीं शॉर्टिंग नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ, जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पे कि 15 मिली एम्पियर शो कर रहा था बट ट्रिगर नहीं हो रहा था। तो अभी तो पहले तो हम यही सोच रहे थे कि ट्रिगर की प्रॉब्लम आ रही है, बट जब बोर्ड सामने आया मेरे पास तो यहाँ से देखा कि सेकेंड मॉस्फेट से आउटपुट ही नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से चेक करके फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो
कोई भी लैपटॉप आपके सामने आता है तो सबसे पहले तो आप फिज़िकल चेकिंग करिए। फिज़िकल चेकिंग से क्या होता है कि आपको पता लगेगा कि कहीं मॉसफेट वगैरह कोई आईसी वगैरह शॉर्ट नहीं है, या फिर बर्न तो नहीं है, या फिर कोई ब्रस्ट तो नहीं हुई तो फट जाती हैं आईसी वगैरह, तो वहाँ पर आप पहले फाइंड करें। और जब भी रिपेयरिंग करें तो अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप बैठें, और फ्रेश माइंड से बैठने के बाद उसको अच्छे से पहले देखें बोर्ड को कि बोर्ड पहले से कहीं रिपेयर होके तो नहीं आया है। तो अगर रिपेयर होके आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी कुछ इंजीनियर होते हैं तो जो आईसीयू को इधर से उधर चेंज कर देते हैं, कंपोनेंट इधर से उधर लगा दिया, तो वो फिर पता नहीं चल पाता है फॉल्ट का कि फॉल्ट था भी क्या है। तो फिर उसमें जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर हमें उसका सर्किट डाइग्राम, सेमेटिक डाइग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेमेटिक डाइग्राम क्या है कि सेमेटिक डाइग्राम से फिर हमें आईसी को फाइंड करना होगा कि जो आईसी लगी हुई है वो प्रॉपर आईसी लगाई है या नहीं, दूसरी कोई आईसी चेंज कर ली गई, या बायोस को प्रोग्राम किया गया है या आईओ को प्रोग्राम किया गया है, तो वो सारी चीज़ें हमें फाइंड करना होती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जैसे यहाँ पर पावर की प्रॉब्लम थी तो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग थी, तो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, तो आगे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।